जिस इंसान ने अपनी हदें पार कर दी है। समझता क्या है अपने आप को? जो मन में आए करेगा, चाहे उससे किसी का भला हो चाहे बुरा। इस ये सब क्या कर रही है तू? इतना गुस्सा ठीक नहीं है पूर्वी, तू जो करी बिल्कुल गलत। इस बात को इतना इंपॉर्टेंस देने की क्या जरूरत है? और क्या कहा है उन लोगों ने? उन्होंने सिर्फ यही कहा है ना कि हमें एक सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, तो इसमें इतना कौन सा मुश्किल है? आप लोग प्लीज अपना अपना काम कीजिए। चाहिए मैं जा रही हूँ ना टेनिस टूर्नामेंट के लिए, मैंने आपको बताया था, तो मैं उसके लिए नया रैकेट लेके आई थी। मैं ओबी को वही दिखा रही थी। एग्जैक्टली हाँ। तेजू, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है टूर्नामेंट खेलना नहीं, फिर भी तूने रैकेट खरीद लिया। और देख, टूर्नामेंट खेलने के लिए तू इंडिया नहीं जाएगी, ध्यान में रखना। मैं इंडिया नहीं जा रही हूँ इस टूर्नामेंट के लिए। तो अब मैं लंदन जा रही हूँ। टिकट दिखा। अरे टिकट दिखा लंदन का, देखने दो मुझसे। कम, I'll show you something. तुझे क्या लगा मैं पकड़ी जाऊंगी? पर तू तो इंडिया जा रही थी ना, फिर ये लंदन की? हाँ, वो है मेरी लंदन की टिकट और ये है मेरी इंडिया की टिकट। पर तू तो, तुझे पता है ना यार, आज ही मुझे इंडिया जाने नहीं देती। आज ही से ज्यादा मुझे पापा का डर था। पापा को पता चल गया ना कि मैं लंदन जा रही हूँ, ऑब्वियसली वो टिकट मांगेंगे। टू बी ऑन सेफर साइड, मैंने दो टिकट बुक करवा ली। हेलो सर। हाय, वेलकम, प्लेजर टू मीट यू। प्लीज वेलकम। कांजी आप सी। आपने टारगेट के तौर पर ये 30-35 एज रेंज की महिलाओं को क्यों चुना? आई मीन प्रॉपर्टी परचेस करने में हार्डली इनका कोई कंट्रीब्यूशन होता है? वेल यू राइट, बट सर, इफ यू डोंट माइंड कैन आई आंसर द क्वेश्चन? या श्योर सर। मैं मानती हूँ कि इंडिया में ऑलमोस्ट 60% से भी ज्यादा औरतें घर खरीदने में फाइनेंशियली कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाती, लेकिन घर से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे डिसीजन औरतें ही लेती हैं। एक आदमी चाहे अपने घर से कितना भी खुश क्यों ना हो, वो तब तक घर नहीं खरीदता जब तक उसकी बीवी हाँ नहीं करती। अल्टीमेटली घर की गृहस्थी के साथ साथ घर की चाबियां भी औरतों के हाथों में ही होती है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल देम होम मिनिस्टर्स। और इसीलिए हम उन मिनिस्टर्स को टारगेट कर रहे हैं। हेलो, दिस इज कॉल फ्रॉम फ्लायर सर्विसेज। This is just to inform that Mr. Manav Deshmukh's flight from Toronto to Mumbai is leaving on time. वो flight timings के बारे में बहुत ही particular है, इसलिए हम उन्हें inform करना चाहते हैं कि his flight is on time. Actually, I tried his mobile, लेकिन उनका phone not reachable आ रहा है, इसलिए हमने घर पर phone किया. आई, वो मैं मलेशिया जा रहा हूँ. बेटा, तेरा मलेशिया का flight कितने बजे है? वो एक्चुअली ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं उसे खत्म करूंगा, उसके बाद एयरपोर्ट जा रहा है। वहाँ जाकर अर्चना से जरूर मिलेगा, और अगर अर्चना ने उसे बता दिया कि डिवोर्स पेपर पर उसने सिग्नेचर किया ही नहीं है, तो मानो तो मुझे इस धोखेधड़ी के लिए कभी माफ नहीं करेगा। हेलो, एयरपोर्ट पहुंच गए? यस। मानो यू श्योर तुम जो कुछ कर रहे हो सोच समझ के कर रहे हो, और वाकई तुम अर्चना से डिवोर्स लेना चाहते हो? सर, मैं उसे डिवोर्स नहीं दिया, बल्कि अर्चना ने मुझे डिवोर्स दिया। मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो वो चाहती है, लेकिन इससे पहले उसे मुझे इसकी वजह बतानी है। हाँ सर, मैंने बताया उसे कि मैं इंडिया आ रहा हूँ, उसी से मिल। ओह माय गॉड, इसका मतलब बाबा मलेशिया नहीं मुंबई जा रहे हैं, और वो भी मेरी वाली फ्लाइट से। रिश्ता